तो गाइस ये देखो फाइनल लुक हमारी गाड़ी का। अरे बता ना, चेक करते हैं पूरी नहीं करते। मुझे लगा, मैंने कहा ये पूरी फ्रेम के साथ आएगी। गाड़ी 25,000 पूरी शाइन आ गई यहाँ पे, और अभी से पूरी फिनिशिंग दे रहे हैं ये परफेक्ट करके ना। चैन मोटा पैसा बेस ना लेना चाहिए भाई, कोई भी गाड़ी का ना बेस नहीं लेना चाहिए। ग्रुप में डाले बनाते, ठीक है, और जैसी बन जाए ना बता देना। ये क्या चीज है मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है जी कुछ इस तरीके से, ये है हमारी गाड़ी का टियागो का बम्पर। अभी तो आपको पहचान नहीं आएगा, इसे सीधा कर लेते हैं। ये आप देख लोगे ब्लैक कलर का क्यों है, क्योंकि मैं आपको बता दूं जो बम्पर आता है सारे बम्पर ब्लैक कलर के आते हैं, उसको पेंट कराना होता है, तो हम इसे आज पेंट कराएंगे। और बाकी देखो ये देख लो ना स्क्रैचेस वगैरह, ये उस पर लगता है प्राइमर, उसका होता है पेंट। मेन होता है हमारा कि ये मजबूती बिल्कुल सही हो। यहाँ पे अपना फॉग लैम्प का होगी इधर, और ये पूरा आ जाएगा। सो द रीजन इज कि हम बम्पर अपनी गाड़ी का चेंज करा रहे हैं, क्योंकि मेरी टियागो का बम्पर आगे से टूट चुका है काफ़ी हद तक, और उसकी एक जो लाइट है फॉग लाइट भी टूट गई है, तो हमने वो भी ऑर्डर कर दी है। आज गाड़ी में सीट कवर भी डलने हैं, काफ़ी सारा काम होना है, मोटा खर्चा हम करा रहे हैं आज, तो आपको दिखाएंगे बताएंगे गाड़ी में क्या क्या लग रहा है, कैसे कैसे लग रहा है। थोड़ा सा ये सोचा कि काफ़ी टाइम हो गया मॉडिफिकेशन कराए हुए, तो आज सोचा कि मॉडिफिकेशन करा लेते हैं। और बाकी हमने एक चीज़ ये लेकर आए थे, ये हमने लिया था विशाल मेगा मार्ट से बॉक्स, मुझे बहुत प्यार लगा क्योंकि इसमें देखो अपना सारा सामान आ गया। ये कंटेनर हो गए, और ये ऐसे ये हो गए टिश्यू, और मैंने देखो ऐसे पाउचेज में ना ये स्पून वगैरह, और ये यहाँ पे ये ऐसे ऐसे करके रख दिए सारे। इसमें अच्छी बात ये लगी मुझे, ये देखो उसके नीचे पहिए हैं, तो आप इसे स्लाइड कर सकते हो कहीं भी। ये आज फ्रेंडशिप डे पे मैं गिफ्ट कर रहा हूँ किसको, श्वेत को। देख ले भाई, तो कहता ना कि कुछ देता नहीं है, तो दिखा के दे रहा हूँ, ठीक है, बता के दे रहा हूँ पूरा, ताकि सबूत रहे। मैं दिखाने का इरादा तो नहीं था, बढ़िया कि मैं अब दिख गया तो दिख गया। जो ये बम्पर है आप इसकी हालत देखो, यहाँ से ये टूटा हुआ है, ठीक है, ये टूटा हुआ है, ये आ रखे हैं स्क्रैच यहाँ पर, ये देखो ये पेच लग रखे हैं ऑलरेडी। जो लाइट है ना मेरी, आप देख लोगे यहाँ से, ये पूरी ख़राब हो गई है, पानी चला गया इसके अंदर। तो लाइट 1500 रुपये की है जो ऑर्डर करी है जी। कुछ इस तरीके से है अभी हमारा करंट इंटीरियर। ये ओरिजिनल है, गाड़ी के कवर जो थे मैंने पहले ही निकाल दिए थे, तो अब हम पूरे सीट कवर चढ़वा रहे हैं, और आप हैंडल की हालत देख रहे हो, तो हैंडल में भी कवर चढ़ रहा है पूरा। पीछे का तो देखो हमने पूरा सही है, ये नया लगवाया था पहले, तो ये आ जाएगा परमानेंट हमारी गाड़ी में रहेगा, इसको निकालना नहीं कुछ नहीं करना, जब कैंपिंग में जाएंगे तो बहुत काम आएगा। हर हर महादेव, ऊपर वाले का नाम लेके फटाफट निकलते हैं। कैमरे का जो लेंस है मेरा, इस पर पता नहीं क्या आ गया यार, सारी चीज़ें ख़राब हो रही हैं एक साथ, इस पर ब्लर ब्लर आ रहा होगा आपके बीच में, थोड़ा इसमें वो आ गए थे स्क्रैचेस, ये भी ठीक कराना है। लो जी, बारी आ गई इनके माइक्रोवेव देने की, बताऊंगा नहीं व्लॉग बना रहा, ठीक है। रुको रुको, एक मैं काम के पता क्या करता हूँ। हाँ क्या कह रही थी? क्या कह रही थी? देखो तुम्हें, मैंने इनको 1,00,000 रुपया गिफ्ट दे दिया है, ठीक है, ये वीडियो में रिकॉर्ड हो गया, ध्यान रखना फ्रेंडशिप डे पे, ठीक है। बढ़िया जी बढ़िया, गाजर मूली लेके आए तुम्हारे लिए, गाजर मूली ये कहां से ले आए, किसकी गाजर है? अरे कौन है हमारे पीछे बार बार गाड़ी लेकर आ रहा है यार, फैंस ना इतने पीछा करते ना कि हम कहीं भी रुकते रास्ते हॉर्न देते हैं। तो अभी हम सबसे पहले जा रहे हैं अपना सीट कवर डलवाने गाड़ी का। आईपैड पे काम कर रहा है, आईपैड, ओ माय गॉड, बड़े बड़े लोग, ओ माय गॉड, क्या क्या काम कर रहा है इसमें, इसमें एक फॉर्मेट बना रहा हूँ कंपनी का। आज मैं एक चीज पढ़ रहा था, मेरे ना दिमाग में एक बहुत अच्छी चीज है, मैं चाह रहा हूँ शेयर करना लोगों से और तुझसे भी, कि जब हम कोई सेकंड हैंड गाड़ी लेते हैं तो हम चेक करते हैं पूरी, अरे बता ना, चेक करते हैं पूरी नहीं करते, हम तो है। देखते हैं कि उसके टायर कितने घिसे हुए हैं, इंजन कितना है, चली हुई कितनी है, ओनर कितने रहे हैं, सबसे बड़ी बात है ना कि कितने ओनर रहे हैं। तो ये गाड़ियों के ऊपर बात नहीं थी, जो समझदार लोग है समझे, पास मैटर करता है, ठीक है, कि कितनी आपने चलाई है। जैसे मेरी फर्स्ट हैंड गाड़ी है, तो मैं उसे कैसे भी रोन दूं, लेकिन अगर चल जाएगी तो मुझे इसकी बहुत याद आएगी। गीता जुड़नी नहीं तो एक बारी और सोच ले, ऐसे गाने सुनने को मिल जाना, हाँ मजे आ जाता है, आनंद आ जाता है। याद है हम एक बार कहाँ से आ रहे थे, मसूरी से देहरादून से आ रहे थे ना, हाँ, जब प्लेलिस्ट लगी, ओ भाई एक बार ऑटोमेटिक वाईटी म्यूजिक पे लगाई हमने, ओ क्या वाइब आ रही थी यार, मतलब चेंज हम खुद नहीं कर रहे हैं, गाने खुद चेंज हो रहे हैं हमारी सिचुएशन के हिसाब से, मतलब कुदरत को पता नहीं कितनी लगी पड़ी है, सब जानते हैं वो। तो चलते हुए मैंने देखा नहीं कि क्या चल रहा है, और देखो भाई किचन बंद करना भूल गया मैं, और ऑर्डर आया हमारा
वेज लोडेड चीला, एक वाइट सॉस मैक्रोनी, एक वेज चिल मैगी। स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में डाल दिया जाए हमारे घर के, क्योंकि हमारा ऑर्डर वहीं से प्रिपेयर होगा। तो ये भी होता है जब आप किचन चला रहे हो तो दिन रात ऑर्डर का। मम्मी ऑर्डर आया एक। अच्छा मैं ग्रुप में डाल रहा हूँ ये। हाँ ग्रुप में डाल दे, बनाते हैं। ठीक है, और जैसी बन जाए ना बता देना। बहुत बढ़िया, कैसा कलर? कलर तो ठीक है यार, बस गंदा तो नहीं होगा। भैया ने बताया वो कॉलिंग मारनी है और साफ हो जाना। मैंने मना कर दी थी स्पेशली कि आपके लिए मंगाई है, तो ये वही वाली है अपनी, देख पड़ेगी। ये कॉमन भी नहीं है, बिल्कुल अलग ही आती है। नहीं वही है, सेम सेम वही है, प्रॉपर आपके वाले मॉडल की। मुझे लगा, मैंने कहा ये पूरी फ्रेम के साथ आएगी। भाई पूरी फिटिंग के साथ आएगा ये मामला जी। मतलब वो गैप ना यार, बस है ना, ऐसे करती हूँ। जिस तरीके से लग रहे हैं हमारे सीट कवर ये, और अब हमारे पास यहाँ पे भी स्पेस मिल जाएगा। चलो बढ़िया है। अरे ये जो झोला है ये आएगा सेट होगा, ये खींचेगा भी, खींचेगा ना, ये तो टाइट कर देगा। अभी हमारी ये पीछे की सीट तो ये हो गई, ये वाली। अब भैया कर रहे हैं ये, तो लुक तो अच्छा आ रहा है। और भाई ने ये कर दी यहाँ पे टकल पूरी, बट इसमें दिक्कत वही है, देखो जैसे ये निशान आ गया ना हाथ के, ये सब साफ हो जाएंगे। बकल फिटिंग में पता क्या दिक्कत है? क्या बकल फिटिंग? मैंने सोचा था कि पूरी बकल फिटिंग कराऊंगा फिर, तो उसमें वो सीटें कटती। हाँ। भैया ने बताया कि जैसे जहाँ से कटेगी, ठीक है, सीट कटी जैसे ये सा होगा, ठीक है, ये कटा, फिर उसके बाद जैसे बैठोगे हाथ के पोस्चर बनेंगे ना, तो गड्ढा सा होता जाता है, खिसक जाती है, चैन मोटा पैसा, मोटा पैसा, सैलरी आई गाड़ी में गई, छपैक पैक। दो चार चीजें हमने और सोची है इसमें कराने के लिए। स्टिकर का काम होगा, वो आने वाले ब्लॉग में आपको दिख जाएगा, वो आगे दिखाएंगे। हाँ बढ़िया की। और देखो मैंने ये करा ली थे, हाँ ये मैंने दिखाया नहीं, ये चारों चेंज कराए नए अपने व्हील कैप, सही लग रहे हैं। टाटा के तो मिले नहीं, बट उसकी जैसी कॉपी मिल गई, टाई लगवा। कौन सा बेस है ना अपने? ये बेस से बनेगा टॉप, बेस से टॉप बनेगा यहाँ पे। यार स्पेस अच्छा है बलूनों में, है स्पेस अच्छा, स्पेस बढ़िया है, और ये कलर भी बहुत प्यारा है। पर एक चीज़ है, क्या बेस ना लेना चाहिए भाई, कोई भी गाड़ी का ना बेस नहीं लेना चाहिए। या तो मिड ले लो सेगमेंट, या टॉप ले लो। भाई पता क्या है, कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जो कंपनी से इनबिल्ट आते हैं, इनबिल्ट आते हैं, वो अच्छे भी लगते हैं। जैसे हमारा एक दोस्त है, उसने बलिनो ली, स्टीरियो बाद में लगवाया, और उसका आगे का वो आगे वाला डिजिटल वो भी ऐसा लगवाया जो चला हुआ एक्स्ट्रा है, 25,000। वो थोड़ा दिमाग वाले बंदे हैं। बढ़िया की, मुझे गाड़ी वैसे अच्छी लगती है। बिल्ड क्वालिटी की देखो बात करें तो मैं नहीं कहूँगा, मुझे गाड़ी स्पेस में बहुत प्यारी लगती है, स्पेस में लुक वाइज भी अच्छी। अगर ये इतना स्पेस टियागो में होता तो पता नहीं क्या ही बात होती ना। इसमें बूट स्पेस है ना, जो पीछे वाला बैठता उसके लिए लेग रूम भी नहीं है, सेफ्टी है भाई, सेफ्टी मस्ट। टाटा का तो है लोगा, ये तो मानेंगे। अगर वो बुराई नहीं करनी चाहिए, कॉम्पिटिशन है, आरएन स्टाइल जिंदाबाद है भाई, अपना काम जिंदाबाद। मेरठ में आरएन स्टाइल, अगर आपको कराना हो कुछ भी गाड़ी का काम, बेधड़क आ जाओ भाई, बहुत सही डिस्काउंटेड प्राइस में मिल गया मैं तो। गाइज ये देखो फाइनल लुक हमारी गाड़ी का, तो देखो कितना प्रीमियम लुक चल कर आ रहा है। और यहाँ देखो ये, और बैक सीट की अगर बात करें, ओए होए होए, मतलब पूरा आपको दिख रहा होगा इसमें वाइट, बढ़िया वाइट नहीं है। और दूसरा अभी जो है ना, अभी के लिए फिलहाल ये ब्लैक वाले चढ़े हैं, अभी ऑर्डर दिया मैंने, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि ये ऐसे आएंगे, तो ये अजीब लग रहे हैं मुझे, तो मैंने बोला भाई इसी के कटिंग में, जैसे ये बना ना दोनों वैसे ही बन के आए पूरे दोनों, तो दो दिन बाद आ जाएगा होपफुल, मतलब एक अलग ही रॉयल लुक आ रहा है निकल के। 70 मैट जो अब चल रही हैं, 70 मैट मैंने एक ऑर्डर दिया है, क्योंकि मुझे जो स्पेसिफाइड कलर चाहिए था वो कलर आएगा, तो वो भी इसमें 3-4 दिन लगेंगे। गाड़ी में हमारी सीट गंदी होती थी, ये भाई सब करते थे कई बार। तो क्या होता था, बार बार ड्रैगलिंग आनी पड़ती थी गाड़ी यार, मतलब कि सीटें वैसे साफ नहीं होती थी पानी से, ये पानी से हो जाएगी। तो अभी हमारा डिसाइड हुआ है कि जो हमारा स्टीयरिंग कवर है वो फिट नहीं आ रहा है, तो भैया बोल रहे हैं कि वो ऑर्डर पे मंगा देंगे, ठीक है, और जो एड्रेस है वो भी ऑर्डर पे उसका। देख रहा हूँ इतना सारा सामान आपके पास यहाँ पे, इतना सारा रखा हुआ है, ठीक है, नीचे भी आपकी शॉप है, पहले तो शॉप का नाम बताओ और क्या क्या सामान है आपके पास वो बताओ। कार एंड स्टाइल। अच्छा, और भैया जैसे आप ऑडियो का इतना सारा सेटअप देख रहे हैं, बेसिकली सोनी पाइनियर JBL इसके हम ऑथराइज डीलर हैं कार ऑडियो के अंदर मेरठ के। अच्छा, इसके अलावा GL ऑडियो, मॉरेल, ये सब हम करते हैं। स्पॉइलर में डील करते हो आप? ये स्पॉइलर में भी कार की पूरी एक्सेसरीज होती है हमारे पास। अच्छा, हर तरह के इसके सारा सामान रख रखा है आपने, प्रोजेक्टर होंगे, असूम के प्रोजेक्टर होंगे। अच्छा, कार की बैकलाइट सारी हमारे पास होती हैं, नीचे आर्मरेस्ट है। अच्छा, आर्मरेस्ट भी आपके पास। एड्रेस क्या होगा भाई अपना? भाई हमारा एड्रेस होता है अपोजिट जिमखाना ग्राउंड, बुढ़ाना गेट मेरठ। और कोई हमारे नाम से आता है तो कोई भी हमारे सब्सक्राइबर आता है, डिस्काउंट है? हाँ बिल्कुल, 100%। भाई अगर आपको भी, आप मेरठ से हैं या नियर बाय हैं कहीं से, आप लोग पूछते रहते हैं कि भाई गाड़ी का काम कहाँ से कराते हो, तो मैं हमेशा यहीं से काम कराता हूँ सर अपनी गाड़ी का। अगर आपको भी यहाँ से कुछ काम कराना तो डिस्काउंटेड प्राइस पे हो जाएगा, और सारी चीज़ें हैं इनके पास जो उन्होंने बताई हैं। एक बार अपनी गाड़ी लेकर आओ यहाँ पे, और आप फिर निराश होकर नहीं जाओगे।
सो ये लग गया हमारा बम्पर इधर, ठीक है। अब ये पेंट होगा और भाई से यहाँ से कस रहे हैं ये लगा के। और जो दूसरा पार्ट है हमारा वो है ये, जो यहाँ का डेंट था वो निकल गया पूरा प्रॉपर तरीके से। अब इन्होंने ये कर दिया यहाँ पे, अब इस पर पेंट होगा, ये यहाँ से पूरा लगेगा। इसकी लाइट भी आनी थी, वो भी लेकर आए हम, वो भी लग गई। आपको दिखा दूँ यहाँ से, ये लाइट पूरी अंदर की नहीं आई, जगह थी, इसको कराया है यहाँ से, इस पर पेंट होगा। एक हमने यहाँ से कराया, ये पहले का लगा हुआ था। ऑलमोस्ट देखा जाए अगर तो सारी चीजें हमारी हो गई हैं, अब बस खाली पेंट का काम है, गाड़ी हमारी प्रॉपर कंप्लीट हो जाएगी। कोई भाई हमारी पूरी गाड़ी पैक, क्योंकि अब होगा हमारा पेंट का काम, यहाँ से हो गया, ये लगा दिया भाई ने, अब लाइटें कवर कर रहा है। और यहाँ से देखो भाई ने कर दी इसकी घिसाई, ये पूरा एरिया होगा ये वाला, और ये होगा यहाँ से भी हमने करा दिया है। तो बस 10 मिनट के अंदर हमारा ये चालू होने वाला है। अपना शाइन वाला, और गाड़ी की आप चमक देखो भाई, बहुत ही परफेक्ट तरीके से करा है इन्होंने, कहा पूरी शाइन आ गई यहाँ पे। और अभी से पूरी फिनिशिंग दे रहे हैं ये परफेक्ट करके ना, ताकि अच्छा सा हो जाए।